हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कि कल्चर की वजह से हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सी डिजीज़ कंडीशंस डेवलप हो सकती है। कि जिस रिलीजन की बात करें कि उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, कि जैसे कि जो कल्चर उन्होंने प्लान कर रखा है उसके बेसिस पे कई हेल्थ इश्यूज भी अकर हो सकते हैं, और कई जगह पॉजिटिव भी वहाँ पे पर्सन हेल्थी हो सकता है। तो इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव इफेक्ट, एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा। कि जैसे नेगेटिव इफेक्ट की बात करें, कल्चर के अंदर जो हेल्थ के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, तो इफेक्ट की बात करें इसके अंदर, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करें, लैक ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड टू फीमेल चाइल्ड, कल्चर रिचुअल फॉर हेयर, फॉल्स अजम्पशन रिलेटेड टू फूड और कल्चरल हैबिट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू क्या होगा कि वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब जैसे बात करें, फर्स्ट वन है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से कि हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। कि कल्चर के अंदर क्या होता है, कई जगह की जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसको क्या किया जाता है, कि जैसे कि बेबी बोर्न हो गया तो उसके बाद में उसको न्यूट्रिशंस वगैरह वहाँ पे डिलीवर्ड नहीं करवाते हैं। या उससे पहले जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, तो उसको जैसे फल फ्रूट की बात करें वो नहीं उसको डिलीवर्ड कर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बेबी होता है वो LBW वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। मतलब कल्चर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें क्या हो रही है, वहाँ पर डेवलप हो रही है। कि जिस कल्चर में ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है कि उसको फल फ्रूट वगैरह नहीं खिलवाने चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह मेंटेन नहीं करनी चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। पॉजिटिव तो ये रहेगा कि जैसे बात करें प्रॉपर में डाइट रहेगी, न्यूट्रिशन वगैरह की बात करें, या इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह वो ले रही तो बेबी भी वहाँ पर हेल्दी हो सकता है। नेक्स्ट में बात करें, लैक ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड टू फीमेल चाइल्ड, क्योंकि क्या होता है कई कल्चर के अंदर जो फीमेल चाइल्ड की बात कर सकते हैं या फीमेल लेडी की बात करें, उसको सबसे लास्ट का खाना दिया जाता है। कि घर में सबसे ज़्यादा सबसे लास्ट में वो फीमेल जो यदि जो चाइल्ड की बात कर सकते हैं वो खाना इंटेक करेगी। कि जैसे जो बचा कुचा जो रहता है लास्ट मेंबर उसके अंदर वहाँ पर काउंट करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है वहाँ पर जो कि जो फीमेल चाइल्ड रहेगा उसका न्यूट्रिशन लेवल डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट में बात करें, कल्चरल रिचुअल फॉर हेयर, हेयर की बात करें कई जगह क्या होता है कि जैसे कि जो सेविंग की बात करें या जैसे कि जो हेड हेयर की बात कर सकते हैं, उनको क्या किया जाता है कि वहां पे आफ्टर डेथ जैसे कि हेयर कट करवाए जाते हैं कई कल्चर में। कि जैसे कि किसी की डेथ हो गई तो वो क्या करते हैं कि वहां पे उसको उसके हेयर काट देते हैं, ठीक है, कि सर के बाल उसके काट दिए। तो कई जगह क्या होगा कि जैसे एक जो बार्बर होता है वो एक से ज़्यादा ब्लेड यदि यूज़ करेगा, हो सकता है एक ही ब्लेड को कई लोगों तक अप्लाई करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे कि उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। कि एक ब्लेड लगा ही हो सकता है उसको स्किन इन्फेक्शन हो, दूसरे के भी वही ब्लेड यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी चांसेस हो सकते हैं कि हेल्थ वहाँ पे अफेक्ट हो सकती है। एक होता है फॉल्स अजम्पशन रिलेटेड टू फूड, फॉल्स अजम्पशन जैसे कि कई जगह के होता है कि कई रिलीजन की भी बात कर सकते हैं, कई कल्चर में होता है कई लोग जैसे प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि वहाँ पर कोई हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें, एक होता है कल्चरल हैबिट्स। अब जैसे किसी कल्चर के अंदर ये हैबिट है कि वहाँ स्मोकिंग अल्कोहल के लिए अलाउ किया जाता है। कि जैसे कि बात करें कई कास्ट भी होते हैं, जैसे कि राजपूत जो कास्ट होती है, जनरल कास्ट की बात करें, तो वहाँ पे भी कई जगह क्या होता है कि उनको अलाउ किया जाता है, परमिट किया जाता है, उसकी वजह से भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये तो थे अपने पास नेगेटिव इफेक्ट। अब बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या होंगे, जिसके अंदर जैसे कि किसी कल्चर के अंदर हैंड वॉशिंग की हैबिट है, रेगुलर जैसे कि बाथिंग वाली हैबिट है, और या बात कर सकते हैं कि प्रॉपर में वो हेयर केयर कर रहे हैं और फ्रेश फूड इंटेक कर रहे हैं। तो ये चार पांच पॉइंट है जो भी एक पॉजिटिव इफेक्ट वहाँ पे शो करते हैं। जैसे कि रेगुलर बेसिस पे हैंड वॉशिंग करते हैं तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। ऐसे बात करें रेगुलर बाथिंग की, यदि प्रॉपर में आप लोग बात कर रहे हो, कि जैसे कि कई जगह होता है कि बेबी बॉर्न हो गए उसके बाद उसको बाथिंग करवा रहे हैं, या आप लोग रेगुलर पैटर्न पे बात कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्मेल वगैरह नहीं होगी, बॉडी भी वहाँ पे हेल्दी रहेगी। इसके अलावा केयर ऑफ हेयर, हेयर की बात करें कि यदि ज़्यादा बड़े हो रहे हैं उनको कट कर लिया गया, तो उसकी वजह से भी छोटे छोटे हेयर वहाँ पर रख रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, पर्सन हेल्दी रहेगा।
और लास्ट में बात कर सकते हैं फ्रेश फूड। फ्रेश फूड होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे कि ताज़ा ताज़ा जो खाना खाते हैं, जैसे बात करें कि आज फ्रेश सब्जी मेडअप हुई है, या बोल सकते हैं कि जो फूड वगैरह जो यदि फ्रेश होगा तो उससे क्या होगा, पर्सन हेल्दी हो सकता है। तो ये थे कि जो हेल्थ के ऊपर जो कल्चर के अकॉर्डिंग कौन से पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। थैंक्स।